है साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आज हम लोग आए हैं सरांडा जंगल में, जो हावड़ा मुंबई मेन रूट में जो महादेव साल मंदिर का सामने में रेलवे ब्रिज है, जो कम से कम साथियों 4 मिनट ब्रिज के अंदर से गुजरता है, जो काफ़ी अंधेरा है साथियों। अंदर में लाइट बीच बीच में फिट हुआ है, लेकिन काफ़ी अजीब लगता है। अब उसमें जब ट्रेन में सफ़र करते हुए अब जब सरांडा का रेलवे ब्रिज को पार करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगता है। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे जब गाड़ी जब ब्रिज का अंदर क्रॉस करता है। तो साथियों, ये आपका आज हम लोग जा रहे हैं साथियों ट्रेन में उस ब्रिज को आपको दिखाने के लिए। अंदर का नज़ारा हम लोग देखते हैं, ट्रेनें से देखते हैं साथियों। तो साथियों, अब हम लोग चले हैं, बस कुछ ही समय में आपको सरांडा का रेलवे ब्रिज का नज़ारा आपको दिख जाएगा, जो काफ़ी अजीबोगरीब है साथियों। तो साथियों, पहाड़ को काट करके अंदर से ब्रिज बनाया गया है। तो साथियों, ये टोटल आपका जितना भी घना जंगल है साथियों, ये सरांडा जंगल है जो एशिया का सबसे बड़ा जंगल माना जाता है। तो साथियों, अब चलते हैं, देखते हैं, बस पहुंचने वाला है साथियों। तो साथियों, ये महादेव साल गोलकर एक स्टेशन है साथियों झारखंड में। बगल में महादेव साल, जो महादेव साल बाबा शिव जी का मंदिर भी है, जो काफ़ी मशहूर मंदिर है साथियों। तो साथियों, चलिए अब हम लोग आ गए हैं ब्रिज के अंदर, अब लोग आ गए हैं, हम लोग गाड़ी ब्रिज के अंदर चल रहा है। अभी काफ़ी लंबा ब्रिज है साथियों, अंदर में देख रहे हैं आप, काफ़ी अंधेरा है, बीच बीच में लाइट लगा हुआ है, लेकिन फिर भी काफ़ी अंधेरा है। तो साथियों, अभी हम लोग हैं ब्रिज के अंदर से हम गुजर रहे हैं। तो साथियों, ब्रिज का अंदर का नज़ारा आपको कैसे लगा, ये आप लोग कमेंट करेंगे। तो साथियों, काफ़ी लंबा ब्रिज है साथियों, आप लोग भी सफ़र किए होंगे। तो साथियों, गाड़ी काफ़ी स्पीड में चल रहा है साथियों, 80 किलोमीटर पर आवर है जो हम लोग जा रहे हैं। कुर्ला हावड़ा एक्सप्रेस में हम लोग सफ़र कर रहे हैं साथियों। तो साथियों, अंदर कभी अजीब लग रहा है। तो साथियों, आखिरकार अब ब्रिज का हम लोग पार कर दिए हैं। तो साथियों, आगे में और एक छोटा सा ब्रिज है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। साथियों, काफ़ी घना जंगल है सरांडा जंगल, पूरा हरियाली से हरा भरा है। तो साथियों, छोटा सा ब्रिज ये भी पार हो गया है। तो साथियों, अभी बगले में महादेव साल बाबा शिव जी का मंदिर अभी पार हो जाएगा। इसके बाद साथियों, आगे में जो आपका अगला स्टेशन है गोलकरा स्टेशन है, जो साथियों ये महादेव साल स्टेशन पार हो गया है साथियों, पार हो रहा है अभी। तो साथियों, सरांडा जंगल काफ़ी घना जंगल है साथियों। कभी हम सरांडा जंगल का बारे में आपको सैर कराएंगे, एक दिन सरांडा जंगल चलते हैं साथियों, कभी अच्छा मौका निकाल के चलेंगे एक दिन। तो साथियों,
ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, आपका भाई एस के दास, आपका दोस्त को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू साथियों।